नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज़ाद इंजीनियरिंग कंपनी के IPO के बारे में, जिसका IPO पिछले कुछ दिनों पहले ओपन हुआ था। उसमें कई लोगों ने अप्लाई किया था, तो उसका IPO है वो आज 26 दिसंबर को उसके शेयर अलॉट होने वाले हैं। तो उसके शेयर आपको अलॉट होने वाले हैं, तो आप कैसे शेयर अलॉटमेंट का स्टेटस आप चेक कर सकते हो, वो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं हम, जैसे कि IPO कब ओपन हुआ था। इसमें आप देख सकते हैं IPO ओपन डेट है 20 दिसंबर, उसके बाद में IPO क्लोज हुआ था 22 दिसंबर को। IPO का बेसिक अलॉटमेंट है आज यानी 26 दिसंबर को, अगर जिनकी किस्मत में होगा उनको 26 दिसंबर को आज मिल जाएगा IPO। IPO मिलने के बाद में IPO 27 दिसंबर को आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाए, 28 दिसंबर को है वो शेयर मार्केट में IPO लिस्ट हो जाएगा। अगर जिनको नहीं मिला है तो उनको 27 दिसंबर को है वो रिफंड मिल जाएगा। तो IPO अलॉटमेंट स्टेटस चेक करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ओपन करना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद में उसमें आपको टाइप करना है KFinTech, जो कि आज़ाद इंजीनियरिंग कंपनी की रजिस्ट्री कंपनी है। यहाँ पे आपको IPO अलॉटमेंट स्टेटस KFinTech वेबसाइट खुल जाएगी, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करते ही आपके पास अलग अलग लिंक आपको दिखाई दे देंगे, लिंक नंबर 1, लिंक 2, लिंक 3, लिंक 5, लिंक 4। अगर कोई से भी एक लिंक पे आपको क्लिक करना है, अगर एक लिंक नहीं काम कर रहा है तो आपको दूसरे लिंक पे क्लिक करना है। उस लिंक पे क्लिक करने के बाद में ये इस तरह से नेक्स्ट पेज खुल जाएगा, IPO अलॉटमेंट स्टेटस का पेज खुल गया है। तो नीचे IPO स्टेटस में आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट में वो कंपनी जिसका आपको IPO स्टेटस चेक करना है, अलॉटमेंट स्टेटस, उसको आपको इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में से सर्च कर, इस लिस्ट में से आपको सेलेक्ट करना है आज़ाद इंजीनियरिंग। अभी अलॉटमेंट हुआ नहीं है इसलिए वो लिस्ट में नहीं है, जैसे ही अलॉटमेंट हो जाएगा तो इस लिस्ट में उसका नाम आ जाएगा, आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको एप्लीकेशन नंबर या आप डीमैट नंबर या पेन नंबर से आप सर्च कर सकते हैं। तो सबसे आसान तरीका है पेन नंबर से आपको अलॉटमेंट सर्च करना है, पेन नंबर पर क्लिक करना है। पेन नंबर पर क्लिक करने के बाद में नीचे एंटर पेन वाले कॉलम में आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना है, उसके नीचे वाले कॉलम में आपको कैप्चा फिल करना है, कैप्चा फिल करके सबमिट कर देना है। जैसे सबमिट करोगे तो आपके पास जानकारी दिख जाएगी कि आपको अलॉटमेंट हुआ है, शेयर मिला है या नहीं मिला है, इस तरह से आप ये चेक कर सकते हो। धन्यवाद।